कोई होती ना अमेरिका में तो हमारी कोई सदर ही बन जाती। आज तक जो क्लिंटन के लिए भी हमने इतने वो हिलरी के लिए भी मेहनत की, वो भी नहीं बन सके। तो बाहर ये तो वेस्ट की वो है ना सोच। तो वहाँ पे आप देख लें कि 75% गुर्बत के लकीर से नीचे हैं ख्वातीन। 75% मैं सुपर पावर की बात कर रही हूँ स्टेट्स की। और 85% औरतें शौहर की तलाश में हैं। उन्हें क्या ज़रूरत है शौहर की? कहती हमने बच्चे पालने हैं, हमारे कफील चाहिए, हमें रोटी रिज़क खिलाने वाला दे दो ताकि हम घर बैठ के बच्चे पालें। उनको भी पता है कि औरत का काम बच्चे पालना है, हमारी जिम्मेदारी तो यही है ना। और ये समझ आ गई मेरी औरत को, इस्लाम बहुत आ गया है, मेरी औरत को ये समझ आ गई है कि ना सास की खिदमत, ना ससुर की खिदमत, ना शौहर की खिदमत। तुम्हारा ये मौलवियों ने बता दिया आजकल, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ ये है कि अपने बच्चे पालने हैं। और बच्चे कैसे पल रहे हैं जिसके लिए आज आप सारे इकट्ठे हो गए तो भड़ास निकाल रहे हैं, ये बच्चे पल रहे हैं। एक ही ड्यूटी दी थी अल्लाह ताला ने और एक ही काम है औरत का, और उसका वजूद का भी एक ही मकसद है कि अल्लाह ताला चाहता था कि मैंने दुनिया बनाई है, मुझे मानो, मुझे मनवाओ। उसके लिए उसने नस्ल पैदा की, उसके लिए उसने औरत पैदा की, फिर उसके लिए उसने उसके वतन से बच्चे दिए और कहा कि इसकी तालीम और तरबियत करो। और वो काम हमने छोड़ दिया है। मैं उनकी बात नहीं कर रही जो बैनर लेके बाहर सड़कों पे फिर रही हैं, वो तो फंडेड है। मैं जाती तौर पे जानती हूँ उनके फंड्स कहाँ से आते हैं। आखिर मुझे 30 साल हो गए हैं इस फील्ड में, कोई मजाक है? अमेरिका में रहते हैं मुझे 35 साल हो गए हैं। आई वॉज अ टीनेजर व्हेन आई मूव टू बैक टू। लेकिन बात यह है कि हम इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं उनके लिए कि ये मार्च निकाल रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। हम उनके लिए इमोशनल नहीं हो रहे, हम शरीफ औरत के लिए इमोशनल हो रहे हैं जो घर बैठ के सारा दिन टीवी देखती है, जो अपना टाइम वेस्ट कर रही है, जो इंटरनेट देखती है, जिसके पास कोई पॉजिटिव एक्टिविटीज नहीं। और मैं आपको यह बता दूं कि तालीम उस औरत के लिए जहर है जिसके साथ तरबियत नहीं, इस्लामिक और कल्चरल वैल्यूज नहीं। उस लड़की को तालीम मत दिलाना, ये जहर है उसके लिए, क्योंकि उस तालीम का वो नजायज इस्तेमाल कर रही है। मैं खुद एजुकेशन फाउंडेशन रन करती हूँ, यहाँ की सारी यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप देने आती हूँ। मैं साथ में उनको ये कहती हूँ कि अगर इस्लामिक और ईस्टर्न वैल्यूज तुम्हारे साथ नहीं, तो बीबी बीबी आयशा सदीका कहीं से डिग्री लेके नहीं आई थी, ना बीबी फातिमा तज़हरा, ना मेरी दादी, ना मेरी माँ। तो तालीम जहर भी है, इसने बागी बना दिया है। और वेस्ट में बैठ के हम ये बातें करते हैं, और मैं वेस्ट में, और यहाँ तो जरूरत ही नहीं है हमें वुमेन राइट्स की। हमारा तो दिमाग इन मर्दों ने खराब कर दिया है। बाप है तो इतना लाड करता है कि बेटी को रानी बना के रख दिया, शौहर है को घर बैठ के सारा दिन खोते वांगू काम करे तो पूरा टबर पाले। वाह कमाल है, जा अमरीका च तो लग पते जाएंगे। 85% औरत दरवाजे पे खड़ी है कि मुझे नौकरी दे दो, मैंने बच्चे पालने हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।